नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24 टीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ भगवत मेहरा। पुलिस थानों में पुलिस अभिरक्षा में उत्पीड़न, टॉर्चर, डेथ, रेप इत्यादि की रोकथाम को लेकर महाराजगंज सिविल कोर्ट के अधिवक्ता व मानव अधिकार कार्यकर्ता विनय कुमार पांडे के द्वारा दाखिल जनहित याचिका PIL में उत्तर प्रदेश के समस्त थानों में CCTV कैमरे लगाने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसकी सुनवाई करते हुए माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने PIL संख्या 5744/2015 के अनुसार सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को 6 माह के भीतर उत्तर प्रदेश के समस्त थानों में CCTV कैमरे लगाने के निर्देश दिए। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश DV भोसले व न्यायमूर्ति MK गुप्ता की खंडपीठ ने अधिवक्ता विनय कुमार पांडे द्वारा दाखिल जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया। वहीं इंडिया 24 टीवी न्यूज के महाराजगंज संवाददाता ने अधिवक्ता विनय कुमार पांडे से इस विषय में बातचीत की। अभी कुछ दिन पहले अधिवक्ता विनय कुमार पांडे महाराजगंज के वरिष्ठ अधिवक्ता ने अभी कुछ ही दिन पहले एक PIL दायर किया था। उस PIL में दायर था कि जितने भी पुलिस थाने और जितने भी चौकी हैं वहां पर CCTV कैमरे लगवाए थे। आइए हम अब अधिवक्ता विनय कुमार पांडे जी से कुछ उनके अर्थ बात। धन्यवाद आपको पांडे जी, पहले तो थैंक यू आपको भी और इंडिया 24 न्यूज को भी मैं बधाई दूंगा कि आपने मुझे मौका दिया अपनी बात को कहने के लिए। पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपके मन में ख्याल कहाँ से आया कि हम सबसे पहले एक PIL दायर करें, वो भी इतने बड़े मुद्दे को लेकर के जो आज तक लोग नहीं सोच पाए। एक्चुअली देखिए, जिस जिले में मैं रहता हूँ यहाँ एजुकेशन का बहुत ही अभाव है और लैक ऑफ एजुकेशन की यहाँ बहुत ही कमी है। सिद्धार्थ जी, इन्हीं समों को लेके मैंने एक बार सर्च किया कि उत्तर प्रदेश में मानवाधिकारों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। मैंने जब इसका आंकड़ा देखा तो पता चला कि उत्तर प्रदेश के थानों में मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट के अनुसार और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार सबसे ज़्यादा कस्टोडियल डेथ, टॉर्चर और रेप उत्तर प्रदेश के थानों में होते हैं।